हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल वन। आई एम आलोक सिंह एडवोकेट। आज हम लोग बात करते हैं द डिटेल्स विच वी नीड टू पुट इन द कंप्लेंट बिफोर द CAW सेल, और उसका क्या यूसेज होता है और उसको हम लोग किस तरह से डिटेल वे में उसको पुट अप कर सकते हैं। लाइक सपोज अगर हम लोग चेक करें तो जो CAW सेल के पास जो हम लोग की कंप्लेंट जाती है, किसी कंप्लेनेंट की, किसी लेडी की कंप्लेंट, उसमें इनिशियली अगर हम लोग चेक करें तो उसको डिफरेंट पार्ट्स में पुट अप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एजुकेशन के रिगार्डिंग क्लियर कर देना चाहिए कि व्हाट इज़ हर एजुकेशन एंड वेदर शी हैज़ कंप्लीटेड द एजुकेशन बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, और उन्होंने इसको जॉब में कोई ज्वाइन किया था या नहीं किया था, और वो उसमें जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आई मीन वॉट एवर द सिचुएशन इज़ देयर। इसके बारे में इसके बाद में हम लोग टेकअप करते हैं कि जो उनके मैरिज के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली उसको क्लियर कर देना चाहिए कि मैरिज के टाइम पीरियड पे जो अमाउंट राइज हुआ था, अमाउंट जो उनकी शादी में खर्चा हुआ था, वो किसने स्पेंड किया था और किस तरह से स्पेंड किया था। यू मस्ट हैव टू हैव द डिटेल्स ऑन विच यू रिलाई। अब इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि लाइक सपोज़ वो एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ना हो और कुछ इस तरह का हो कि जो उस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के, उनके पेरेंट्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग वो मैच करे और एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ना हो। जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि सो एंड सो अमाउंट इज़ स्पेंट ऑन हर मैरिज फ्रॉम हर फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, तो इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं कि अगर उनके फादर का इनकम स्टेटस अगर इस तरह का नहीं है तो वो एक्सटेंडेड फैमिली उसको कंट्रीब्यूट करते हुए इस तरह से हो जाता है। देन अगर उसमें उनको कुछ भी जो अमाउंट दिया गया है वो सारी चीज़ों का स्टेटस गोल्ड है या वट एवर द अमाउंट इज़ गिवन टू हर, और उनका स्त्रीधन वगैरह जो है उसके बारे में डिटेल्स देना चाहिए। देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ द प्रॉब्लम वेयर द प्रॉब्लम अराइजेज। प्रॉब्लम किस तरह से अराइज होते हैं और वो प्रॉब्लम में उन्होंने क्या किस तरह से टैकल किया, उनकी पूरी फैमिली मतलब इन लॉज की फैमिली ने क्या किया और क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें देते हुए डेट वाइज इट हैज़ टू बी आई मस्ट स्टेट कि उसमें डेट वाइज जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, एक कंप्लेंट में हम सारी चीज़ें तो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन जो 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 मेन प्रॉब्लम की डेट्स रही हैं जिसमें उनको कोई उनका कोई ट्रीटमेंट हुआ है या हॉस्पिटलाइज रही हैं या उनका कोई ट्रीटमेंट लंबा चला है या जो भी उन्होंने कंप्लेंट दी हुई हैं, पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी दी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें पुटअप होनी चाहिए। और उसके शी मस्ट हैव टू हैव द डिटेल्स रिगार्डिंग द सेम, अगर उन्होंने कुछ इस तरह का किया हुआ है तो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द डिटेल्स विच वी कैन से जो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किए हैं 100 नंबर पे सबमिट किया हुआ, या FIR वगैरह कुछ हुआ है, या FIR या कंप्लेंट वगैरह भी उन्होंने कुछ सबमिट किया हुआ है, ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हुए। नेक्स्ट अगर हम लोग उसमें देखें तो डिजर्शन उन्होंने किया है और उनको वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करके, उनको मार करके, पीट करके या किसी तरह से घर से बाहर निकाल दिया है, तो ये सारी चीज़ें सब उसमें पुटअप करना चाहिए। और पूरी फैमिली के जो अगर आप एलिगेशन पुटअप कर रहे हो तो अपने इन लॉज की पूरी फैमिली के अगेंस्ट एलिगेशन जो हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सो दिस हैज़ टू बी देयर। इसके साथ में आप ये देख लें कि अगर मैरिज कंज्यूमेट हो गई है तो दोनों बच्चे या दो या तीन जो भी है, जो भी उनके मैरिज कंज्यूमेट होने के बाद बच्चे हुए हैं, तो बच्चे किसके पास हैं और उनके एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, दिस हैज़ टू बी मेंशन्ड इन द कंप्लेंट। और इसके अलावा जब आप घर से बाहर निकलते हो, आपको घर से बाहर किया जाता है, तो घर से बाहर जाने के बाद में आप कुछ ले के आए हो या उन्होंने आपको एम्प्टी हैंडेड आपके घर से बाहर निकाल दिया है, सो दिस ऑल थिंग्स हैज़ टू बी स्टेटेड। नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं कि आप जब आपको घर से बाहर, आपके मैट्रिमोनियल होम से घर से बाहर निकाल दिया गया है, तो उसके बाद आप कहाँ आते हो, आप अपनी फैमिली के पास में आते हो। मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस होता है कि आपकी फैमिली आपको एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए आपकी मैट्रिमोनियल से निकाले जाने के बाद में आपके
पैरेंटल फैमिली आपको आपके एक्सपेंसेस को बियर करने की कंडीशन में नहीं होती है, तो उस सर्कमस्टेंसेस में आप कैसे अपने एक्सपेंसेस को बियर अप कर रहे हो? अगर आप रेंटल होम में रह रहे हो तो उसके क्या एक्सपेंसेस हैं और किस तरह से, वो सारी डिटेल्स आपको सब कुछ मेंशन करना चाहिए। अब आपको एम्प्लॉयमेंट मिला है या नहीं मिला है, दिस हैज़ टू बी स्टेटेड वंस अगेन। सो इन सब चीज़ों को, सारी चीज़ों को डिटेल वे में पुटअप करते हुए, कई डिफरेंट पार्ट्स में आप पुटअप करते हुए अपनी प्रॉपर कंप्लेंट CAWSL के पास पुटअप करते हैं। एंड जो कि अगर हम लोग इस पूरी कंप्लेंट को अगर प्रॉपर तरह से प्रिपेयर करेंगे, देन इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन फाइलिंग द मेंटेनेंस पिटिशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। इसके साथ साथ DV एक्ट में जो आप कंप्लेंट पुटअप करते हो, तो वो DV एक्ट का केस बनाने में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सो दीज कंटेंट्स मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। और ये सारी चीज़ें, एक प्रॉपर इंटरव्यू आप अगर क्लाइंट का करें तो उसमें ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी। एंड द कंप्लेंट हैज़ टू बी देयर इन द प्रेजेंस ऑफ द जो कंप्लेनेंट है, और वो आप उससे सारी चीज़ों को इसमें पुट अप कर सकते हो। एक चीज़ और ध्यान में देने वाली है कि एक जो नया कंसेप्ट है, राइट नाउ अभी मैं प्रिपेयर कर रहा था, कुछ इस तरह का इशू उठा कि मैरिटल रेप, तो अगर मैरिटल रेप का कोई इश्यू आया है तो उसको भी आप पुट अप करें। और मतलब इस तरह के एलिगेशंस अगर आते हैं तो द गर्ल और द लेडी मस्ट हैव टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट रिगार्डिंग द सेम एफिवोरस। अगर उनको इस तरह की प्रॉब्लम अराइज हुई है तो आप उसको देख करके उसको प्रॉपर तरह से इसको पुट अप करें, देन दिस विल बी वेरी हेल्पफुल ऑफ आवर केस बिफोर द CAWSL। तो इन टू सम अप, we can say the complaint before the CAWSL is to be very comprehensive, very detail wise, and has to be put each and every kind of thing जो कि complaint के पास में है। और एक चीज़ और, अगर आप इसको proper तरह से put up करोगे, then obviously this can help you in filing the maintenance petition as well as the DV Act case before the Honorable Court, before the Honorable Court of Appropriate Jurisdiction. So this is all about. Thank you. Thanks for watching.